If you have a synonym for this place it's adventure if you love water if Achha. you love waterfalls if you love trekking through the jungle wow. on an offbeat destination jahan pe sirf aap ho, but very few people know about the place so you so, see a lot of wildlife you do see a lot of wildlife and there is a tiger reserve as well which is quite famous wow <laughs> travel diaries with rj salil, RJ salil. आगे एक बार फिर से अरन शुक्ला ब्रदर थैंक्स करने के लिए हेलो लव टू हियर योर स्टोरीज ऑफ स्पेशली दिस न्यू प्लेस ऑलवेज मेरे को भी एक्साइटमेंट रहती है हम कहां कहां जाने वाले हैं? यहां पे

पहली बार फर्स्ट टाइम ट्रैवलर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है क्यों जाए सो आई थिंक एनीवन इन देयर ट्वेंटीज एंड थर्टीज वुड एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस बिकॉज़ इफ यू हैव अ सिनोनिम फॉर दिस प्लेस इट्स एडवेंचर अच्छा इफ यू लव वाटर इफ यू लव वाटरफॉल्स इफ यू लव ट्रेकिंग थ्रू द जंगल ऑन एन ऑफबीट डेस्टिनेशन जहां पे सिर्फ आप हो

जिसके जंगल प्रॉपर्टीज हैं तो जस्ट इमेजिन योर स्टे बिंग इन द मिडल ऑफ द जंगल वेर यू हैव फूडेव लाइव म्यूजिक एट नाइट अंडर द ट्रीज स्टार्स एवरी थिंग एंड जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर यू सो इमेजिन बींग सो क्लोज टू नेचर एंड ऑल योर हाइक्स ऑल योर फॉरेस्ट ट्रेक्स आर

Which is right Very close to it And from there You can explore other things ja, ziplining Which is very famous in Wayanad You can explore the tea plantations suchi Para waterfalls Multiple things to do Over the course of 4-5 days So I would wow. recommend Staying at both the places Stay in the jungle for 2 days Stay at the property for 2 days So that you have a mix Of both leisure and adventure Weather Obviously I think June-July types Will be very rainy June-July is very rainy I would recommend Going slightly before that May is probably The ideal time to go Garmini for it Because it starts raining A little bit दिन में भी थोड़ी बहुत बारिश रहती है बादल रहते हैं तो वेदर परफेक्ट रहता है राइट नाउ इट्स वेरी हॉट ओवर देयर आई रिसेंटली वेंट लास्ट वीक आल्सो बट वेदर इन जनरल जून जुलाई हम लास्ट टाइम जून में गए थे एंड वहां पे थोड़ी बहुत बारिश थी बट इट इवन मेक्स इट प्रिट्योर की बारिश है ग्रीनरी और बढ़ जाती है आपके ट्रैक्स और वाटरफॉल्स में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है सो फॉर एज एन एडवेंचर लवर आई थिंक इज ग्रेट टाइम सेफ सेफ द ट्रैक्स एंड एवरीथिंग आर एवरी सेफ वहाँ के लोकल गाइड्स आपको ले जाते हैं एंड हम एक बार ट्रैक में एक जगह थोड़ा टूर हो गए थे बिकॉज ऑफ वॉटरफॉल एंड रेन बहुत ज्यादा हो गई थी बट लोकल गाइड्स इतने इक्विप्ड थे उन्होंने हमारे लिए नया रास्ता बना दिया था वेरी नाइस पीपल एंड दे लव वायड सो वो चाहते हैं कि कोई भी वहां पर आए तो उस जगह बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करे इट्स वेरी सेफ्रेसो वेरी सेफ एंड बिगना फ्रेंडली ट्रिप केन बी रूल विद करे आई थिंक फूड इज अंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर ट्रेवलिंग बिकॉज यू वॉन्ट ऑथेंटिक फूड इज वेल एंड ऑल्सो वॉन्ट द फूड तो वहां के लोकल रेस्टोरेंट्स में आपको थाली बहुत ही अच्छी मिलती है थाली थाली वेज भी बहुत अच्छी है। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ एंड हम लोगों को लास्ट डे वहाँ पे एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जो कि फेमस है लोकल फूड के लिए तो सब लोग बैठ के थाली खाते डिश जो उसके लिए बड़ी जानी जाती है आई थिंक वहाँ पे दाल राइस करी जो

आप ज्यादा कर नहीं सकते हो तो गाड़ी आपको बुक ही करनी पड़ेगी कन्नूर एयरपोर्ट से वही गाड़ी वो वो करेक्ट आपको लेके चलनी पड़ेगी आपनाड में भी चीज़ ले सकते हो वहाँ पे ऑटो चलते हैं एंड oh, है, right. कुछ कुछ ऑफी डेस्टिनेशन जैसे की वाटरफॉल जंगल्स में आपकी गाड़ियां नहीं जाएंगी तो वो लोग जीप्स प्रोवाइड करते हैं फोर बाय फोर जो कि आपको पिकअप और ड्रॉप वहीं पे करते हैं तो इट्स वेरी दी अमाउंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ऑफ दिस कि

उट so so really well. same same पूरे, पूरे साल में आप कभी भी जा सकते हो वहाँ पे बहुत okay. ज्यादा बारिश अवॉइड करो एंड थोड़ी सी गर्मी अवॉइड कर सकते हो आप बाकी कभी भी जा सकते हो आप ब्यूटिफुलस ऑफ की आप बहुत ज्यादा बारिश और

Ananya provides such kind of curated experiences. Thank you, brother. Radio City. City.